नेशनल हाईवे कुम्हारी में फिर हुई बड़ी दुर्घटना। कुम्हारी थाना क्षेत्र से कुछ ही दूरी पर तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से स्कूटी सवार युवक सिर पर गंभीर चोट लगने की वजह से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंचे कुम्हारी पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस पूरी घटना में पुलिस ने ट्रक को जब्त कर आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। कुम्हारी थाना प्रभारी सुधांशु बघेल से मिली जानकारी के मुताबिक सोनू मोनो ढाबा के सामने ट्रक से हुई दुर्घटना में स्कूटी सवार युवक की मौत हो गई। मृतक उमेश बंजाय रायपुर कोटा निवासी बताया गया है। वो अपनी स्कूटी क्रमांक CG04HU77169 दुर्ग से रायपुर की ओर जा रहा था, तभी मेन रोड में सोनू मोनो ढाबा के सामने ट्रक क्रमांक CG04MS7963 का चालक तेज रफ्तार व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर ठोकर मार दिया, जिससे उमेश बंजारे के सिर पर गंभीर चोटें आई। इलाज के लिए कुम्हारी उप स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कुम्हारी पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को PM कराने के लिए सुपेला भेजा है। 16 फरवरी 2022 को करीब 12:15 बजे उमेश बंजारे नामक व्यक्ति अपने ससुराल उरला से अपने घर रायपुर कोटा जा रहा था। सोनू मोनो ढाबा NH53 के सामने ट्रक क्रमांक CG04MS7963 से उसका एक्सीडेंट हो गया, जिससे उसके सिर में गंभीर चोटें आई हैं, जिसे उपचार हेतु CHC शासकीय अस्पताल कुम्हारी ले जाया गया था, जहां उसकी मृत्यु हो गई। और सर किस प्रकार की इसमें अभी फिलहाल मर्ग पंचनामा किया जा रहा है, अग्रिम कार्रवाई की जाएगी इसमें, और ट्रक ड्राइवर एवं ट्रक पकड़ा गया है, ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है, आरोपी ड्राइवर को। बहरहाल जानकारी के मुताबिक मृतक की शादी 1 माह पूर्व हुई थी। वह उरला अपने रिश्तेदार के यहाँ शादी कार्यक्रम में आया था और वापस अपने घर रायपुर जा रहा था। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।